शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही निज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्म भूमि वाला बन रहा मंदिर है जय सिया राम की, नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए, गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंह नाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूँ। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद एक राष्ट्र स्वतंत्र हो रहा था। जोगिंदरनाथ मंडल जैसे नेता हमारे साथ है, नेहरू गांधी पटेल या मुखर्जी के साथ न चलकर हम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ चलेंगे और हम बनाएंगे पाकिस्तान। जोगिंदरनाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। जोगिंदर बाबू गलती कर रहे हैं, इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। डॉक्टर अंबेडकर जिन्ना के साथ नहीं जा रहे। आप बिल्कुल राम जैसे लगते हैं, आपकी बात बहुत अच्छी लगती है। मिलन होगा कब जाने। इतने दिनों तक उन अछूतों के साथ रह रहा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा इसने हमें। नारे तकबीर, अल्लाह हू अकबर, भारत माता की। घृणा के आधार पर बना हुआ देश आगे चलकर संघर्ष जरूर करे। श्री राम और सीता माँ के साथ जो अन्याय समाज ने किया, कलयुग में वो हम अपने साथ दोहराने नहीं देंगे। मोहन बाबू आप राम नहीं हो। असिस्ट प्रोड्यूस भी किए हैं और आपने फिल्म भी असिस्ट की हैं एज ए प्रोड्यूसर। फर्स्ट टाइम आप इंडिपेंडेंट, आप ये बंगाल 1947 आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप दोनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब मैं सबसे पहले फिल्म के प्रोड्यूसर और कई डॉक्यूमेंट्री दे चुके ऋषभ पांडे से इस फिल्म की जो थीम है, क्योंकि आजकल एक पैटर्न बन चुका है फिल्म का, जैसे कि सबसे पहले आई कश्मीर फाइल आई, तो कश्मीर फाइल आने के बाद एक जैसे ट्रेंड बन गया कि भाई वो ये फिल्म ऐसी होगी। देन फिल्म आई केरला स्टोरी। तो जब ये बंगाल 1947 फिल्म जब आई, तो दर्शक अभी जो है इस फिल्म के स्टोरी लाइन उन चीजों से कुछ अभी कंफ्यूज है। तो जब उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं जरूर चाहूंगा, ऋषभ इस फिल्म में एक्चुअली क्या कंटेंट है, दर्शक इस फिल्म को क्यों देखेंगे और क्यों देखना चाहेंगे। तो बेसिकली कहानी जो है ये है बंगाल की,
1947 में. ओके ओके. 1947 के जब पार्टीशन हो रहा था, तो हमने इस कहानी को एक लव स्टोरी है कि जब पार्टीशन के इर्द गिर्द जो चली है, जब ये लव स्टोरी कैसे पार्टीशन के वक्त कैसे चल रही थी और कैसे इफेक्ट हुई. और उस वक्त हम कोशिश ही हमारी ये है कि जो लोग हैं आज के ज़माने के लोग हैं उनको हम 1947 के बारे में बता सकें कि हुआ क्या था बंगाल में. लोगों को इसके बारे में जानकारी कम है, तो हम कोशिश यही है हमारी कि 1947 में जो भी हुआ है हम उनको बताएं, लोगों को जागरूक तो करें ही और बताएं कि किस तरीके से जो उस वक्त के इमोशंस थे, उस वक्त के लोगों की जो सोच थी, उसके बारे में हम ज़्यादा हमने पोर्ट्रे किया है कि उस वक्त कैसे चल रहा था भारत. तो उस बारे में हमने ज़्यादा फोकस किया कि जो लोग उस वक्त रह रहे थे उनके ऊपर क्या बीत रही थी. पर ऋषभ, एक चीज़ बात आती है कि फिल्म की, तो आपकी ये यहाँ से मैं, आपने जो सब्जेक्ट लिया ना बहुत ही ज्वलंत है और फायर ब्रांड वाला ये सब्जेक्ट है. क्योंकि मुझे जहाँ तक अगर हिस्ट्री में जाते हैं तो बंगाल 1947 के आसपास, उससे आसपास थोड़ा और पहले अगर जाएं तो एक डायरेक्ट एक्शन डे का एक काला पन्ना भी जुड़ा हुआ है. ये फिल्म वहाँ तक छूती है क्या? फिल्म उसी के इर्द गिर्द है, मतलब उसी से हम शुरुआत करते हैं और उसी के एक पूरे पीरियड दिखाते हैं कि कैसे कैसे डेवलपमेंट ऑफ एक्शन हो रहा है, एक एक करके कैसे चल रहा है. प्लस उसमें लव स्टोरी जो चल रही है, जो अंकुर जी जो लव एंगल इसमें प्ले कर रहे हैं, तो दोनों कहानियां साथ में चल रही हैं आपको. लेकिन आप बड़ा ये आपको पता भी चले कि क्या क्या हुआ है और कैसे एक लव स्टोरी जो उस जमाने की लव स्टोरी थी, जो आज के जमाने से बिल्कुल अलग है, जो उस जमाने में कैसे किस तरीके से दो लोग प्यार में थे और किस तरीके से उनकी कहानी आगे बढ़ रही थी, उसकी पूरी कहानी है. तो दोनों भाग है इसमें और दोनों कैसे चलते हैं साथ साथ, वो पूरी कहानी है. मैं ऋषभ अगर देखूं तो एक इसी तरह की एक फिल्म कई तरह की आ चुकी हैं. जैसे एक फिल्म आई थी अनिल कपूर की थी शायद, जिसमें शायद एक गाना था, एक लड़की को देखा तो ऐसा जस्ट लाइक, उसमें भी उसी टाइम का थोड़ा सा, वो जरूरी नहीं कि वो बंगाल की नहीं थी, कि वो थोड़ा सा वैसा था. तो इस ये कहीं हम उस या गदर एक प्रेम का था, सीक्वेंस वन सीक्वेंस टू, उससे कहीं इंस्पायर तो नहीं है? जी, गदर जो थी पंजाब की कहानी थी. ओके ओके. ये कहानी बिल्कुल बंगाल की है. okay, गदर okay. जो थी वो बहुत ही पंजाब के बारे में कहा गया था, उसमें एकदम पूरी तरीके से पंजाब की कहानी थी. इसमें बंगाल का टच डाला हमने, पर बंगाल में क्या हुआ था उस वक्त वो पूरा बताने की, दर्शाने की कोशिश की है. और जो भी सिचुएशन थी 1947 बंगाल की, हमने वो डिपिक्ट किया है. हमने बिल्कुल, हमने अपने ऑडियंस को बस यही बताने की कोशिश की कि अगर आप 1947 बंगाल में होते तो कैसा होता, ये हमने कोशिश की कि लोगों को बताने के लिए. अंकुर, आप ऋषभ जी के टीम में आप फिल्म स्टार बन चुके हैं, मैंने कहा बनने जा रहे नहीं बल्कि बन चुके. कारण क्या है कि जिस चीज़ को सतीश पांडे जी और ऋषभ पांडे जी जिस प्रोजेक्ट को हाथ मिले, वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो फिल्म हिट ना हो, पब्लिक तक ना जाए. और पहले से हम आपको विशेष दे रहे हैं, हार्टली विशेष दे रहे हैं कि आप बहुत आने वाले फ्यूचर के एक आइकॉन बनने जा रहे हैं. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर द टीम. अंकुर, एक बताओ, ये इस फिल्म में आप आने से पहले थोड़ा सा हम जाएंगे आपके अतीत के पन्नों में, क्योंकि अभी तो आपकी उम्र भी कुछ नहीं है और आप जस्ट लाइक, और अच्छा है एक यंग जनरेशन आगे आए और अब काफ़ी फिल्मी हीरो अब आते जा रहे हैं, तो उसमें आपने आ चुके हैं, तो आपको सबसे पहले बताइए कि आपके मन में लड्डू फूट रहे हैं? सर, बहुत बड़े बड़े लड्डू फूट रहे हैं सर, बताऊं तो. क्योंकि आप कुछ फूटे हुए लड्डू हमारी तरफ भी कर दो भाई, हम भी मुंह मीठा कर लें. सो आपने जैसे कहा कि कैसा लग रहा है, तो उसका जवाब तो मैं दे ही नहीं सकता, क्योंकि जब फिल्म रिलीज होने वाली है और आपको पता है कि एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और वो लोगों तक पहुंचे और लोगों को देखना चाहिए उस फिल्म को, तो वही है कि रातों की नींद नहीं है और दिन का चैन नहीं है. खैर, ऐसी बात नहीं, देखो उसके साथ मैं इसलिए मान रहा हूँ कि इस मुकाम पर तक आना ये एक भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मैं भी थिएटर से जुड़ा रहा हूँ और कभी टीवी पे आना मेरे लिए एक बड़ा सपना था. टीवी पे हम देखते थे तो पता, हम सोचते थे भाई टीवी के अंदर घुस के कैसे मतलब बात की जाती है, तरह तरह की कल्पनाएं थी. तो आपको भी फिल्म की कोई कल्पना ऐसी, कोई इंटरेस्टिंग, कोई आपकी कल्पना रही हो? जी सर, बचपन से जो था तो
पहली क्लास से ही मैं स्टेज पे चढ़ गया था स्कूल के और शुरुआत एक थप्पड़ से हुई थी जो टीचर से पड़ गया नाम में था या पनिशमेंट में था पनिशमेंट में था कि सीरियसली नहीं ले रहा था उस छोटे से पार्ट को कुछ कॉस्ट्यूम्स थी जो पहननी थी जो नहीं कर रहा था तो टीचर ने थप्पड़ लगाया तो वहां से समझ आ गया कि अच्छा ये थोड़ा सीरियस बिजनेस है बट वो स्टेज पे जाना लोगों की तालियां और एकदम से आप अलग होके खड़े हो जाते हो ना क्राउड से तो वो एक एक्टिंग का जो रिवॉर्ड है आई थिंक वो मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट करता था और धीरे धीरे करते करते फिल्में देखनी शुरू की फिल्म के पात्र को अपना बना लेना कभी आप कोई हिंदी फिल्म देख रहे हो तो आप वो बन गए केबीसी में बच्चन साहब को देखा तो आपने रूई से दाढ़ियाँ लगा के आप बच्चन साहब बन गए तो उस तरह का बचपन मेरा रहा है तो मैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बचपन से नहीं शायद पिछले जन्म से आपके आपके एक यादों के साथ जुड़ी मैं अपनी याद आपको शेयर करना चाहता हूँ क्या हुआ कि हम थिएटर में आने से पहले थिएटर में एक डिसिप्लिन एक सबसे बड़ी बात होती है डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस बिल्कुल इसके इसका जो एक बेस होता है ना जैसे आप भी क्योंकि आपका बेस भी NCR का है मेरा बेस भी NCR का है तो बचपन में हम आओगे 9-10-12 साल के आसपास यही तो पहले हर कॉलोनी में रामला हुआ करते थे और ये एक्टिंग का सबसे पहला नर्सरी प्ले स्कूल वो होती है रामला बिल्कुल तो रामला में देखते थे कि ना क्या होता है एक दो सेना होती है एक राम हनुमान जी की सेना एक रावण की सेना तो हमें भी लगता था कि यार हम भी कहना कुछ करें तो मुझे सबसे पहले उस टाइम बड़े सोर्स लगा के अपने भाई बड़े भाई से हमने कहा कि मुझे भी कराओ मुझे भी हनुमान की सेना में शामिल तो बस क्या है कि थोड़ा सा वो क्या बोलता है उस टाइम कुछ ज़्यादा नहीं होता था मुद्राक्ष वगैरह घिस करके मुंह सफ़ेद करना फिर लाल मुंह करना ये करना और कोई कभी नहीं कहीं कई बार एक अच्छा बना करके और कहना वो हाथ वगैरह ले करके चलो भाई तो वो फर्स्ट हमारा और लेकिन उस दिन हमें नींद नहीं आई थी कि हमें करीब करीब 1000-2000 या जितने लोगों ने हमें देखा और चाहे वो लोगों ने पहचान नहीं पाया होगा कि ये कोई हमारा कॉलोनी का प्रवीण है या कौन है तो ऐसा भी कोई फीलिंग हुई है कि फर्स्ट टाइम जब आपने कैमरा फेस किया जी सो सर कैमरे से पहले स्टेज किया 3 साल और फिर FTII में मेरा सिलेक्शन हो गया फाइनली तो वहां से कैमरे की ट्रेनिंग ऐसी मिल गई कि वहां से सीख लिया कि अच्छा कैमरा जो आपका दोस्त है जो है जिसको इम्पोर्टेंस देनी है बट उसे इग्नोर करना है तो इस तरह की ट्रेनिंग FTII से मिल गई बट आपने जो एक्सपीरियंस बताया तो जैसे आपका रामलीला का है तो मेरा जन्माष्टमी का है पहली बार जब कृष्ण बना था तो उसके बाद 2 दिन तक दोस्तों से बात नहीं की थी क्योंकि मुझे सडनली सर पे बिठा लिया था लोगों ने तो वो जो एक स्टारडम है एक्टिंग के पीछे कि आप सडनली क्राउड से अलग हट के खड़े हो जाते हैं आई थिंक वो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है और हाँ अच्छा ये बताओ जी आपको क्योंकि हम जब फिल्मों में आते हैं हम भी मीडिया में आए और टीवी शो बना रहे हमारे कोई ना कोई रोल मॉडल रहते हैं आपका रोल मॉडल कौन रहा है सर मेरे रोल मॉडल्स रहे हैं और वो समय के साथ बदलते भी रहे हैं जैसे बचपन में तो आपको पता है जो हिंदी फिल्में हमारे टीवी चैनल्स पे दिखाई जाती है तो वो सारे स्टार्स हमारे रोल मॉडल्स होते हैं लेकिन एक अमेरिकन एक्टर हैं अगर आपको पता हो मार्लन ब्रांडो करके सो 12th क्लास में पहली बार उनकी जब फिल्म देखी थी तब दिमाग बिल्कुल खराब हो गया था क्योंकि फिल्म समझ ही नहीं आई एक्टिंग भी समझ नहीं आई कि ये कर क्या रहे हैं कि वो इतना असल था कि मुझे लगा ही नहीं कि ये एक्टिंग कर रहे हैं तो वो 3-4 बार फिल्म में देखने के बाद मुझे समझ आया कि अच्छा ये कुछ ऐसा है जो मुझे अपनी लाइफ में पाना है तो फिर वहां से FTII के बारे में उससे निकले एक्टर्स के बारे में देन नसीर साहब नसीरुद्दीन शाह दिलीप साहब और देन फाइनली इरफान खान और इस तरह के मनोज वाजपेयी तो इस तरह के एक्टर्स को हमने जानना शुरू किया उनकी फिल्में देखी तो समझ आया कि अच्छा ये सिर्फ वो जो बचपन में अलग खड़ा होना ये सब कुछ नहीं है आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और कैमरे के सामने असल दिखने वाली चीज ही सबसे ज्यादा ऋषभ जैसे अंकुर का अपना एक पास्ट का एक अपना एक्सपीरियंस है सेम ऋषभ क्योंकि मैं आपको आज से तो जानता नहीं मैं तो आपको बहुत पहले टाइम से जानता हूँ और आज मुझे बहुत खुशी है कि आज आप मेरे साथ बैठे हैं और आपको भी ये खुशी होगी कि मैं प्रवीण के साथ बैठा हूँ जी, बिल्कुल, और
मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने आपकी वो एक जिसको बोलते ना एक डॉक्यूमेंट्री ये जितने भी आपने बनाई है मैंने वो आपकी एक पापा की पूरी एक यात्रा देखी है और जैसे साइलेंटली काम करते रहते रिजल्ट क्या होगा बिल्कुल वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते रहे और बहुत एक सस्ती बात है कि वो बहुत अच्छे एक दोस्त हैं केवल मेरे नहीं दोस्तों के दोस्त हैं। सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद एक राष्ट्र स्वतंत्र हो रहा था। जोगिंदरनाथ मंडल जैसे नेता हमारे साथ है, नेहरू, गांधी, पटेल या मुखर्जी के साथ न चलकर हम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ चलेंगे और हम बनाएंगे पाकिस्तान। जोगिंदरनाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। जोगिंदर बाबू गलती कर रहे हैं, इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। डॉक्टर अंबेडकर जिन्ना के साथ नहीं जा रहे। आप बिल्कुल राम जैसे लगते हैं, आपकी बात बहुत अच्छी लगती है। मिलन होगा कब जाने। इतने दिनों तक उन्हें छुतों के साथ रह रहा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा इसने। घृणा के आधार पर बना हुआ देश आगे चलकर संघर्ष जरूर करे। श्री राम और सीता माँ के साथ जो अन्याय समाज ने किया कलयुग में वो हम अपने साथ दोहराने नहीं देंगे। मोहन बाबू आप राम नहीं हो। हर पल मस्ती और रंगीन विद सत मोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सत मोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सत मोला नमकीन। सत मोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग हाँ सत मोला नमकीन। मैंने उनकी कई फिल्में डॉक्यूमेंट्री फिल्में देखी हैं और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के साथ जितनी भी दिल्ली मेट्रो के अंदर वो डिस्प्ले हो रही होती है स्क्रीन वो सारी वो फिल्म, तो उसका कोई एक मज़ेदार कोई अनुभव आपके साथ रहा हो या आपने देखा हो कि डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए या आप कभी आपको मेट्रो में कभी सफ़र करने का मौका मिला है? जी जी मैं तो बचपन से जैसे हम मेट्रो का काम करते और उसमें कोई लोग क्योंकि ना वो जो डिस्प्ले पे चल रही होती है ना वो स्क्रीन पे चल रही होती हैं मेट्रो के अंदर भी और मेट्रो स्टेशन के अंदर में भी वो चल रही होती हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जैसे कि सीढ़ियों पे कोई चढ़ रहा है उतर रहा है कोई ड्रिंक करके जा रहा है उसको अवेयरनेस के लिए। ये तो उस टाइम कुछ फिल्म कुछ ना लोग कमेंट मार रहे होते हैं वो उसको देख के। तो आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस आया क्या? जी जी मतलब हम तो पिछले 30 साल से मेट्रो के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग देश के अलग अलग मेट्रो के लिए काम कर रहे हैं। पापा मेरे रोल मॉडल हैं और हमेशा से मेरे को उन्होंने सपोर्ट किया है और उन्होंने बहुत अच्छा एक चीज़ बताया कि आपके जो रोल मॉडल्स होने चाहिए वो होने चाहिए जो लोग आपके आम जिंदगी में हैं, उन्हीं से आप इंस्पायर होकर कहानियाँ बना सकते हैं। तो हम भी जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स ऐसे हैं कि हम बहुत जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं या जो लोग आपके आसपास हैं उन्हीं से कहानियाँ आपको मिलेंगी, तो जितना हो सके आप उनसे कनेक्टेड रहिए। तो हम जब मेट्रो के जब फिल्म बनाते थे तो उस वक्त भी हम क्या करते थे कि हम मेट्रो के अंदर होते थे तो एक्टर्स आते थे या लोग आते थे तो पूरा हम एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में ही हम लोगों का जो प्रॉब्लम होते थे मेट्रो में उसी को हम प्रॉब्लम को हम एक फिल्म में बनाते थे। तो इसका मतलब ये है कि जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के लिए सबसे पहला जो एक मेटेरियल है वो एक्सपीरियंस करने के लिए आपको मेट्रो पे काफी टाइम गुजारा होगा। मेट्रो स्टेशन पर जैसे वो बनी है फिल्म कि भाई 3-4 तरह टाइप की मैंने क्लिप्स देखी हैं, जैसे कि वो हाथ करके इशारा कि ना 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 बुजुर्ग लोगों को हैंडीकैप को लिफ्ट में मुका दो और तेज जोर के नहीं जाना और कोई सिक्योरिटी वाला उसको रोक रहा है ड्रिंक करके नहीं जाना। तो ये सब चीजें आपने पब्लिक में रह करके पहले ऑब्जर्व भी किया प्लस वो हम तो बेसिकली जिनके लिए भी बनाते हैं वो भी हमें डायरेक्टिव देते हैं। पर हमारा बेसिकली जो भी ये फिल्म भी है
हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या मार्केट में या जो कहानी जो है जो लोगों को कनेक्ट कर सके, जैसे हम जो रहते हैं दिल्ली के आप कहीं लिटिल कोलकाता में। अच्छा ऋषभ, ये जो फिल्म की बात करते हैं, ये जो फिल्म है, फिल्म में आपका दो एंगल है। फर्स्ट एंगल डायरेक्ट एक्शन डे से शुरू होता है, सेकंड उसी बीच में से उस जितना भी माहौल है उसमें से एक बहुत प्यारी सी लव स्टोरी निकलती है, वहाँ का माहौल दिखाती है, सब कुछ करती है। तो ये एक साथ दो कहानी किस प्रकार से आपने एडजस्ट की? देखिए जो बंगाल में उस वक्त रह रहे थे तो लव स्टोरी तो इस तरीके से है कि लव की जो भी देश का माहौल जैसा भी चल रहा हो, आप इंडिविजुअली तो आपको इफेक्ट करेगा, आप देखते आपको प्रभावित करता है। तो लव स्टोरी तो मेन है कि मतलब जो हमने जो ये फिल्म बनाई है मेन इसका ये है कि एक कहानी चल रही है, एक लव स्टोरी चल रही है। जो भी सिचुएशन चल रहा है, पॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रहा है वो अलग है, बट कैसे एक लव स्टोरी जो है बंगाल में उस वक्त जो चल रही है वो कैसे अलग अलग उसमें बाधाएं आते हैं लव स्टोरी में उस जमाने में, जो 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 सोच थी लोगों की कैसे उसको एक एक करके उससे जीत हासिल करके हर एक बाधा से जीत हासिल करके कैसे आगे बढ़े हैं। तो लव स्टोरी उस मामले में है। वो जो चल रहा है पार्टीशन का वो तो है बट 1947 में जो आज का माइंडसेट है और 1947 में जो माइंडसेट था उसमें कैसे जीत हासिल हुई है अपने उसके बेसिकली वो कहानी है। ओके अच्छा ऋषभ, एक बताओ कि ये यानी कि जो 1947 तो उस टाइम का जो एटमॉस्फेयर आपने फिल्म में कैसे क्रिएट करा? इसका भी बहुत अच्छा वो है, तो मैं तो मुझे भी पता नहीं था 1947 में क्या है, मैं तो हमेशा जानता था कि पार्टीशन हुआ है। बट जब हमने फिल्म आकाश जी जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहानी हमें नरेट किया, मेरे फादर और मैं हम साथ में थे और बहुत ही रिलेट कर पाए कि क्योंकि हम भी जो जहाँ रहते हैं वो भी सीआर पार्क है, लिटिल कोलकाता। तो मैं आकाश जी ने जब कहानी सुनाई तो मुझे यार ये कहानी जो है ना बहुत अच्छी कहानी है और 1947 में मुझे नहीं पता क्या हुआ है, तो अगर मुझे भी नहीं पता तो लोगों को भी नहीं पता होगा। तो हमने बहुत रिसर्च किया, तो रिसर्च में ऐसे ऐसी चीजें पता चली जो मुझे बहुत एक्साइट किया। इसमें आपके साथ रिसर्च में कौन लोग शामिल रहे? नहीं, हम आकाश जी जो थे, आकाश जी तो आकाश जी ने पूरा रिसर्च जो है डायरेक्टर आकाश जी का है। आकाश जी की तो ऑलरेडी इतना बड़ा नाम है, आकाश जी कितनी कई फिल्में ऑलरेडी, मतलब मैं उनकी फिल्मों का मैं प्रशंसक हूँ। हम सब है तो उन्होंने जैसे ही उन्होंने पूरा रिसर्च किया था पूरा किस तरीके से, और वो हमें जब डिस्कस किया हम सबने तो लगा कि ये बिल्कुल बनानी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। लोगों को पता नहीं है आजकल की फिल्मों में, हमारे फिल्म का यही उद्देश्य है कि लोगों को पता चले कि उस वक्त कैसा था जमाना, उस वक्त क्या चीजें चल रही थी, किस तरीके से प्रॉब्लम्स थे, वो सब हमने लोगों को बताने की पूरी कोशिश की है। फिल्म का मकसद ये है कि आपको पता चले कि पार्टीशन जब हुआ तो क्या क्या प्रॉब्लम लोगों को हुई। ऋषभ, अंकुर तो फिल्म के हीरो हैं, फिल्म की हीरोइन कौन है? उनका एक लाइम एक और भी कुछ प्रमुख किरदार होंगे जी, और फिल्म के में कौन लीड रोल जी एक अंकुर एक हम वहीं पर हमने इसकी शूटिंग की थी छत्तीसगढ़ की। अच्छा बंगाल की इस फिल्म की पूरी शूटिंग छत्तीसगढ़ में हुई, कंप्लीट छत्तीसगढ़ में की। छत्तीसगढ़ से कोई विशेष प्यार? छत्तीसगढ़ बना सकते थे क्योंकि 1947 में बनाने के लिए आपको जगह चाहिए, आपको 1947 आज कहीं मिलेगा नहीं, तो हमने पूरा अच्छी बहुत अच्छी नेचर। बंगाल क्यों नहीं गए? ममता दीदी तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था, बट ममता दीदी तो मतलब फुटबॉल भी खेलती हैं, बट ममता दीदी तो मतलब खेला भी खेलती हैं, तो आपको तो बंगाल में जाके करना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा बजट भी होता है ना, बजट हमारा जो अच्छा, थोड़ा सा अच्छा, उस हिसाब से जो फिट बैठा वो हमने किया। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे बजट पे थी क्योंकि पहला बजट है। तो हाँ, तो हमने पूरा शूटिंग किया उसमें छत्तीसगढ़ में। तो हमने बेसिकली जो रिसर्च था इसका, हमने छत्तीसगढ़ में सारे लोकेशन देखे, पूरा देखा 1947 अच्छा क्रिएट हो सकता था वहाँ पर। तो और इसका बेसिक हमने ये फिल्म का तो यही मकसद था कि जो 1947 हमें क्योंकि बिल्कुल नेचर बहुत अच्छा है वैसा। कौन है फिल्म की एक्ट्रेस? हाँ एक्ट्रेस पूछते हैं आप। तो एक्ट्रेस में हम जैसे एक और हमने दो एक लीड एक्ट्रेस है जिसका नाम है सुरभि, जो इनके अपोजिट है, और फिल्म में और भी सुरभि पहले भी कर चुके, वो भी उसका उनका भी डेब्यू है। ओके, उनका भी डेब्यू। हाँ, और फिल्म में हमारे एफटीआई से है जी,
वो सिर्फ फिल्म करने के बाद एफटीआई गई। ओके ओके। और मैं फिल्म करने से पहले गया था तो एक छोटा सा। अच्छा मतलब बॉस आप हो। सीनियर ही है। नो 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 मतलब जस्ट लाइक सीनियरिटी के हिसाब से फिल्मी लोगों में भी आप ऑलरेडी मतलब क्या नाम प्रशिक्षित जस्ट लाइक हम यार क्या कुछ एक्चुअली ये मेरे ना टिपिकल क्लिस्ट शब्दों से घबराना मत मुझे आदत पड़ी हुई मैं एक्चुअली हम ना देखो ये चैनल जो है ना ये लोग इनके लोगों के साथ हमें क्लिस्ट शब्द बोलने की आदत तो खैर हाँ तो और एक्ट्रेस में जैसे सीनियर एक्ट्रेस सोहेला कपूर जी हैं आदित्य लाखिया जी हैं उनका दास मानिकपुरी जी हैं जो नथा बने थे उसमें पीपी लाइव में ओके ओके प्लस देवलीना भट्टाचार्य जी हैं ओके ओके तो स्टार कास्ट है इसमें अपने अपने किरदार सबने निभाए अच्छे और मतलब फिल्म मैं एक जिसका मैं बड़ा टाइटल सॉन्ग बड़ा अच्छा लगा मुझे वो बिल्कुल वो सॉन्ग बिल्कुल बंगाली बिल्कुल बिल्कुल वो किसने किससे आपने ये अभिषेक रे करके हैं अभिषेक रे करके वो मतलब वो एक म्यूजिक डायरेक्टर हाँ अभिषेक रे जी 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 okay, वो okay. मतलब बहुत मतलब बड़ा ही सॉफ्ट म्यूजिक है बड़ा हाँ, हाँ. जी उन्होंने पान सिंह तोमर का भी म्यूजिक किया था हाँ, 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 हाँ. और वो बंगाल से ही है हाँ, हाँ, और मतलब वो हमारे साथ बहुत सालों से जुड़े हैं तो उनको हमने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बिल्कुल उसका म्यूजिक पूरा और सिंगर कौन है एमपी की है प्रतिभा बघेल करके जी जी उन्होंने किया और अभिषेक जी ने पूरा म्यूजिक नहीं बिल्कुल वाकई में जस्ट लाइक जब आपसे बातचीत चल रही थी तो मुझे बहुत मतलब जैसे जैसे एक शब्द होता है ना करंट प्रिय मतलब एक होता है कि चलो भाई खाना पूर्ति वाला काम नहीं नहीं बिल्कुल इस बात का तो मानना पड़ेगा पूरे क्रू जैसे हम छत्तीसगढ़ में भी थे या पूरे जो लोग जो अच्छा बिल्कुल एक बताओ ऋषभ जी तो खैर अपने आप में माए ये आपने जब फिल्म में आपने अपने को फिल्म स्टार्स के साथ जितने भी लोग हैं टीम वर्क उनके साथ आपने केमिस्ट्री कैसे बनाई क्योंकि ये देखो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी फर्स्ट फिल्म के अंदर अपने को मेंबर्स के साथ ना बहुत एक केमिस्ट्री बना करके तो आपको बीच बीच में कैसा लगा चाहे वो फिल्म की आपके साथ हीरोइन हैं चाहे और भी हैं मेन लोग थे तो उनके साथ क्योंकि ये एक इंडिविजुअल वेब सीरीज में काम करना एक डिफरेंट मैटर और एक फीचर फिल्म में है और फिर साथ ही साथ है कि चाहे वो फिल्म के प्रोड्यूसर हों चाहे वो डायरेक्टर हों आपको आप आकाश आदित्य लामा जी के साथ है उनकी कभी डांट भी पड़ी आपको सर लकीली डांट नहीं पड़ी क्योंकि मुझे क्योंकि मुझे पता है वो मतलब जस्ट लाइक उनकी भूमिका मैंने कई जगह देखी है वो कुमार के तरह रहते हैं जैसे ना कि एक मटके को घड़े को बनाने के लिए थपकी देनी पड़ती है कभी थपकी पड़ी आपको नहीं नहीं सर थपकी नहीं पड़ी और उसका कारण ये था कि बहुत ही जो बोझ है ना या आप कह सकते हैं बहुत हैवी बर्डन जिसको कहते हैं स्क्रिप्ट वो सर ने मेरे को दे दी थी कि भाई ये तुम कर रहे हो और अच्छी चीज ये रही कि सर आज के टाइम पे भी 2023-22 में जब हमने शूट किया था 22 के एंड में हम रहे बहुत पुराने जमाने की तरह रहे थे क्योंकि वहां पे हमारे नेटवर्क नहीं आते थे तो हम कुर्सियां लगा के सारे बैठे हैं आदित्य लाखिया जी बैठे हैं आकाश सर बैठे हैं और हम हंसी मजाक में शूट करते थे इंजॉय करते थे खाना खाते थे ऋषभ सर होते थे सतीश सर दो बार वो भी आए बीच में सो हमने बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना देसी तरीके से पुराने जमाने की तरह वहीं पे क्योंकि हमारी वैनिटी वैन्स नहीं जा सकती थी उन रिमोट एरियाज में तो क्योंकि गाड़ियां ही नहीं जा पाती थी तो ऐसी जगह पे हमने शूट किया तो पूरे परिवार की तरह सब एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं साथ में बैठ के खा रहे हैं साथ ही पैकअप हो रहा है सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं सारी चीज़ें तो वैसा रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट था कि आकाश सर की जो रिसर्च थी और क्योंकि मैं ज़्यादा पार्ट प्ले कर रहा हूँ फिल्म के अंदर तो उनके जो रिसर्च है जो भी रेफरेंसेज है वो मेरे कैरेक्टर के थ्रू उन्होंने फिल्म में दिखाने की कोशिश की है तो मेरा ज्यादा से ज्यादा समय उनसे बात करने में बीतता था कि मैं जानना चाहता था कि ये लाइन का मतलब क्या है क्योंकि होता क्या था वो सिंपल सी लाइन होती थी बट उसके रेफरेंसेस बहुत ज्यादा होते थे उन्होंने हिस्ट्री में कहां से एक इंसिडेंट पकड़ के वो चीज लेकर आए तो मेरा जानना बहुत जरूरी होता था कि ये लाइन आपको क्या क्यों मिली कई सारे ऐसे शब्द थे जो मैं अभी नहीं बता सकता बट पुराने मैं वही कह रहा हूँ कि आकाश आदित्य लामा जी जैसा जी निर्देशक जी क्योंकि मैंने उनको बहुत लंबे समय से उनकी जो फिल्म मेकिंग में जो उनके जो रिजल्ट्स है ना वो मैंने देखे बड़े हाई क्लास है और मैंने उनके काम के ना
में जब उनकी क्या होता है ना इन्वॉल्वमेंट होती है, समर्पण होता है, वो भी उसमें वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। मैं देखा है कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते, तभी वो अनेक उत्कृष्ट फिल्में दे पाए। और ये फिल्म फर्स्ट मतलब जो ये उनके साथ है, तो वही मैं कह रहा था, मतलब कि ना एक सबसे बड़ा मैं कह रहा हूँ कि लकीली आप मतलब इतना बुरा है कि और ये आपको काफ़ी आगे लेके जाएगा उनका साथ, उनका जो अनुभव एंड एक्सपीरियंस जो आपको मिल चुका ना। अच्छा ये और कोई फिल्म का और ऐसा कोई इंसिडेंट बताओ थोड़ा सा जो इंटरेस्टिंग, मतलब आपको लगा कि जिंदगी भर, क्योंकि फर्स्ट फिल्म है और उसके बाद आपके लाइफ में कई अनेक फिल्में भी आएंगी, लेकिन कुछ फिल्म निर्माण के टाइम में जुड़ी हुई कुछ ऐसी मजेदार बात, क्रिस्पी टाइप के बात, वो लाइफ टाइम आपको याद रहे, ऐसा कोई ऐसा वाकया हुआ हो? सर क्रिस्पी नहीं, बट एक चीज़ जो मुझे याद रहेगी, क्योंकि जब जिस दिन हम लास्ट डे शूट कर रहे थे फिल्म, तो उस दिन मेरा जन्मदिन था। ओके जी, तो मुझे याद है हमने उस दिन लगभग 22 घंटा शूट किया होगा। 22 घंटा जी, तो सुबह 7 बजे मैं तैयार हो गया था, और मुझे याद है अगले दिन सुबह 5:30 बजे हमने पैकअप किया था, और जो फिल्म के सबसे इमोशनल और हैवी इमोशनल सीन थे वो उसी दिन रखे गए थे, आखिरी दिन, और सबसे हैवी इमोशनल सीन सबसे एंड में शूट हुआ था। तो मुझे आज भी याद है जो लास्ट शॉट था फिल्म का वो मेरा शॉट था, और जब वो इमोशनल सीन हुआ तो सब उसमें ऐसे बहे, और जब उससे बाहर निकले तो मैंने देखा कि आकाश सर भी रो रहे हैं, हमारे DOP सर भी रो रहे हैं, प्रोड्यूसर्स भी, सबकी आंखें नम हैं। तो वो एक इन्वॉल्वमेंट जो होता है ना कहानी के अंदर, आप सब एक दूसरे से इतना प्यार करने लग जाते हो और सब एक दूसरे से इतना जुड़ जाते हैं और कहानी से खासकर इतना ज्यादा जुड़ जाते हैं, तो वो मैंने बहुत ही अद्भुत एक दृश्य था कि सबकी आंखों में नमी थी, चाहे वो हमारे छोटे छोटे टेक्नीशियन क्यों ना हो, चाहे साउंड वाले क्यों ना हो। सो कैमरा वाले DOP सर जो है विनोद छाबड़ा सर, ही सेड कि मैंने कैमरा बंद करना भूल गया मैं, कि ही वाज सो इन्वॉल्वड इन द सीन। सो वो एक या मेरे लिए सबसे अद्भुत ऋषभ, मतलब आप अभी तक मेरे अंकुर से बात कर रहा था कि एज ए प्रोड्यूसर एक डायरेक्टर का एक अलग एंगल होता है, प्रोड्यूसर का एक अलग एंगल होता है। प्रोड्यूसर फिल्म के सारे प्लस माइनस सोच के चलता है कि मैं इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये मेरी स्टार कास्ट होगी। आपके पास तो कई और ऑप्शन भी होंगे कि अंकुर नहीं, कोई और भी हो सकता है। आपने अंकुर को फर्स्ट टाइम जब आपने इस फिल्म में लिया, तो आपका दिल क्या कहता था और आपकी क्या होप थी और क्या आपकी होप पूरी होने जा रही है? जो किरदार लिखा गया था, मोहन का किरदार किया है आकाश जी ने, जो किरदार लिखा था, तो हमने किरदार आकाश जी ने जितना समझाया था उस किरदार के बारे में, हमने लोगों से पूछा भी और आए भी थे लोग, पर मोहन हमें अंकुर में ही जब मिले थे, तो मेरा ये आकाश जी को मैंने बोला था, आकाश जी मोहन शायद मिल गया हमें, मोहन जो किरदार है। आपसे इनका कैसे मिलना हुआ? किसी इनको कहीं वेब सीरीज में देखा या कहीं, कैसे ही आप तक? एड्स देखे थे, तो जो कनेक्टिंग एजेंसी, इन्होंने अप्लाई किया। हाँ। कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा? काफी लोग थे, मतलब अभी नंबर तो नहीं, बट अब हमारे बॉम्बे में तो पता कितने एक्टर्स बन है, तो बॉम्बे में तो इतने लोग थे, तो बहुत लोग के वो आए थे, बट हमें एक बंगाल कहानी बंगाल की थी, तो हमें थोड़ा बंगाल लुक का चाहिए था, और प्लस थोड़ा ऐसा चाहिए था जो डायलॉग्स थे, जो हमारे डायलॉग थे वो 1947 के उस पे थे, तो उस स्टाइल में कौन बोल पा रहे हैं आज के, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अंकुर का ये था कि अंकुर जब डायलॉग डिलीवरी कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि हाँ हम 1947 में हैं। मैंने आप दोनों की केमिस्ट्री देखी, उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ, जैसे काफी लोगों की प्रसिद्ध जोड़ियां रही है ना, और हर किसी की ना कहीं से बिगनिंग होती है बिल्कुल, लेकिन मुकाम मैं आप लोगों का मुकाम अपनी आंखों में देख रहा हूँ आने वाले टाइम में, जस्ट लाइक गोविंदा, डेविड धवन का बड़ा तारा, सुभाष गई, अनिल कपूर वगैरह, तो जस्ट लाइक मैं आप दोनों का भी जो इतना ब्राइट फ्यूचर अपनी आंखों में समा के देख रहा हूँ ना, रियली मैं कोई आपको वो नहीं कर रहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि आप दोनों की मैंने जैसे आप स्टूडियो में एंटर करे, जिस ढंग से आप दोनों की केमिस्ट्री, जरूरी नहीं एक फिल्म से, एक मैचुअल अंडरस्टैंडिंग
वो हाँ। मैं आज यहीं से मैं हाँ। समझ पा रहा हूँ कि आपकी पूरी फिल्म में आप दोनों की क्या रही होगी, और जरूरी नहीं कि आदमी हर फिल्म में एक साथ अलग अलग भी, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं आप दोनों की केमिस्ट्री जज कर पा रहा हूँ कि बहुत शानदार रहने वाली है। अच्छा ऋषभ एक बताओ जी जी, कि बंगाल 1947 इसका एंड सुखद है या दुखद है? आपको जैसे देखना चाहिए, आपको एंड में लगेगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, हमें बहुत कुछ पता चला है, दुख सुख है दुखे वो आप देखेंगे तो पता चल जाएगा, बट ये बिल्कुल हमने कोशिश की कि जो भी एंड में देखे उनको पता चले कि अच्छा ये हुआ था, ऐसा हुआ था, हमें ये पता नहीं था, या हमें पता भी चला है तो ऐसा था, इस ये सब चीज़ें हमारे देश में। अच्छा, ये तो बात है। हाँ, अब इस फिल्म को बंगाल 1947 हाँ इससे भी आगे लेके जाओगे क्या संदेश खाली तक, आगे अगली कोई फिल्म संदेश खाली बनाओगे? अगली फिल्म तो बनाएंगे, इसके बाद भी वह बनाएंगे। हाँ, बनाओगे पक्का? हाँ, क्योंकि संदेश खाली एक ऐसा सब्जेक्ट है। अच्छा, क्योंकि आज सारे, क्योंकि मैं सतीश पांडे जी को बड़ा निर्भीक बिल्कुल बिल्कुल प्रोड्यूसर मानता हूँ, बिल्कुल, और मैं अप्रोच कर रहा हूँ तुम्हारे थ्रू, इस शो के थ्रू, ठीक है, कि नेक्स्ट फिल्म जो है जी इस पर भी आप जरूर सोचे आपके प्रोडक्शन, कि आज पूरे देश में पता नहीं कहाँ कहाँ संदेश खाली है। अभी एक दिल्ली में भी संदेश खाली हुआ, अभी ये अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पर काफ़ी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं के साथ, वो साझा शेख था, यहाँ भी कोई शेख है, करीम शेख है, प्रोफेसर करीम शेख, सलीम शेख है, वो करता रहा। अब ये है कि नारी शक्ति, मोदी जी बोलते ना शक्ति, वो हम नहीं बोलते, दूसरे ने क्या शक्ति का रूप लिया है, शक्ति को उसने मतलब व्याख्या दी, लेकिन जैसे मोदी जी ने बोला ना शक्ति माँ स्वरूपा है, तो आज वो जाग गई है। तो संदेश काली जो अभी इस टाइम जो हुआ है, क्योंकि आपकी फिल्म बंगाल बैकग्राउंड से है, और 1947 में यदि डायरेक्ट एक्शन डे से है, तो अब जो आपकी जो इस टाइम जो एक बहुत शानदार एक लोगों को आई ओपनर जो बन सकती है फिल्म, वो संदेश काले सब्जेक्ट पर बन सकती है, संदेश काले पूरे देश में। और मैं और किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से उम्मीद नहीं कर सकता, आकाश जी से और सतीश पांडे जी से और आपसे तो कर ही सकता हूँ, और आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। कोई आखिर में कोई अपने मन की कोई बात कहनी हो जी? जी पहले मैं अंकुर जी, सर बस आपके चैनल के थ्रू बस ये बोलना चाहता हूँ कि 29 मार्च हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, आगाज़ कर रही है, तो मैं चाहता हूँ देश का हर नागरिक फिल्म जाकर देखे, और चाहे फिल्म अच्छी लगे बुरी लगे उसके बारे में जिक्र करे, बात करे, क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता और हम उसको वहीं छोड़ देते हैं, तो पता करें, सही लगे बुरा लगे, हमारे पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप लिखें। अच्छा, कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी होगी ऋषभ? बिल्कुल, इसको रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म में लाएंगे, अभी तो रिलीज करें, रिलीज के बाद इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म में करेंगे, बिल्कुल ओटीटी में तो आएगा ही। और आप भी कुछ ऑडियंस से कुछ कहना चाहते हो, मन की बात करना चाहते हो? बस एक रिक्वेस्ट है कि आइए देखिए इस फिल्म को, मतलब ये फिल्म आपको, हमने तो बनाई है, कोशिश करिए आपको अच्छी लगे, होपफुली आपको अच्छी लगे, और जैसे अंकुर ने कहा कि थोड़ा डिस्कस हो, और इस पर क्या हो कि हम आपको जैसे भी लगे, जैसे भी आपको पसंद आए या ख़राब लगे, बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल जैसे भी हो अपना रिस्पॉन्स दीजिए, हम कोशिश ये करें कि आप फिल्म देखें ज़रूर, एंड तक देखें, और आप प्लीज़ इसको बहुत इन्जॉय कीजिए, बस हमने जितना मज़ा आया देखने में बनाने में, उतना ही मज़ा प्लीज़ आपको आया देखने में। थैंक यू। तो आज हमारे इस पहले पॉडकास्ट में आप जिनसे मिले वो हैं ऋषभ पांडे जी, फिल्म निर्माता बंगाल 1947 के, और फिल्म के हीरो अंकुर अरमाम से। बड़ी मज़ेदार बातें रही होंगी आपको, फिल्म के अंदरूनी कई जो कि एक किताब होती है उसके पन्ने आपने पलट के देखने का आपको मौका मिला होगा। तो अब आप इंतज़ार कीजिए 29 मार्च का, 29 मार्च को आप फिल्म देखने ज़रूर जाएं, क्योंकि फिल्म में आज के डेट में आपको पता है कि एक कोर्ट का एक ऑर्डर आया है
कि फिल्म के दो हफ्ते रिलीज होने तक कोई भी फिल्म की समीक्षा नहीं की जा सकती। उसका कारण क्या है कि आज जो कुछ फिल्म क्रिटिक्स हैं और फिल्म की समीक्षा करने वाले लोग, वो फिल्म की गलत समीक्षा करते हैं, या तो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके या बहुत ज़्यादा उसकी आलोचना करके, तो वो फिल्म की उसमें टीआरपी में या फिल्म के सही मायने में रिलीज होने के दो हफ्ते बाद, ये एक न्याय संगत है और हम इसका समर्थन करते हैं। और क्योंकि ये फिल्म भी उसी श्रेणी की है, फिल्म को आप मन से देखेंगे तो आपको आपके हृदय के कई प्रत्यय खोलने के लिए फिल्म अपने आप में काफ़ी है। आपने इस कार्यक्रम को अपना स्नेह दिया, इसलिए आप सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद एक राष्ट्र स्वतंत्र हो रहा था। जोगिंदरनाथ मंडल जैसे नेता हमारे साथ है, नेहरू, गांधी, पटेल या मुखर्जी के साथ न चलकर हम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ चलेंगे और हम बनाएंगे पाकिस्तान। जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। जोगेंद्र बाबू गलती कर रहे हैं, इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करे। डॉक्टर अंबेडकर जिन्ना के साथ नहीं जा रहे। आप बिल्कुल राम जैसे लगते हैं, आपकी बात बहुत अच्छी लगती है। इतने दिनों तक उन्होंने छूतों के साथ रह रहा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा इसने। घृणा के आधार पर बना हुआ देश आगे चलकर संघर्ष जरूर करे। श्रीराम और सीता माँ के साथ जो अन्याय समाज ने किया, कलयुग में वो हम अपने साथ दोहराने नहीं देंगे। मोहन बाबू, आप राम नहीं हो। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? सतमुला खाओ, कुछ भी बचाओ।